समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खंडवा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग की समीक्षा कर खुद कलेक्टर खंडवा ने आज सुबह शहर के वार्डों में दौरा कर संबंधित नगर निगम के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा मुक्त शहर बनाने हेतु स्टार रैंकिंग हेतु कार्य योजना पर चर्चा कर खुद खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल ने वार्डों में जाकर सफाई की स्थिति का निरीक्षण कर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित कर कहा कि गीले कचरे की खाद और सूखे कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से करें निपटान। वहीं निगम अधिकारी एवं कर्मचारी सभी 50 वार्डों में प्रातः 7 से 9 बजे तक स्वच्छता कार्यों की करेंगे निगरानी और मुझे रिपोर्ट भी देंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा मुक्त शहर बनाने हेतु स्टार रैंकिंग में खंडवा की रेटिंग को बेहतर बनाने के लिए आयोजित स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में स्वच्छता लीग की दूसरी तिमाही की गतिविधियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन को प्रभावित ढंग से क्रियान्वित कर सीधे घरों से गीला और सूखा कचरा पृथक्कीकरण कर गीले कचरे की खादे बनाने और सूखे कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निपटान किए जाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। जुलाई से सितंबर तक चलने वाली इस स्वच्छता तिमाही में कचरा संग्रहण के साथ जन जागरूकता व खादे बनाने तथा पॉलिथिन बीनने वाले लोगों को आजीविका से जोड़ने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में निगम आयुक्त हिमांशु कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत की जाने वाली 2020 रेटिंग में कुल 6000 अंकों के लिए सेवा स्तर की प्रगति और प्रत्यक्ष अवलोकन सहित ODF के कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करें। निगम समस्त 50 वार्डों के लिए 50 कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त करने जा रहा है, जो प्रातः 7 से 9 बजे तक दी गई चेकलिस्ट के अनुसार वार्डों में निरीक्षण कर अपनी दैनिक रिपोर्ट सौंपेंगे। नगर निगम के दल बनाए जाकर उन्हें देश में प्रथम रैंकिंग पर आने वाले इंदौर नगर निगम की स्वच्छता की कार्यप्रणाली का अवलोकन करने हेतु भेजा जाएगा। स्वच्छता रेटिंग 2020 के प्रावधानों से अवगत कराया जाकर सभी को दायित्व भी सौंपे जाएंगे। बैठक में आयुक्त पीके सुमन, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद शाहीन खान, जॉन प्रभारी अजय पटेल, मनीष पंजाबी, जाकिर अहमद, जाफर अहमद, भुवन माली सहित वार्ड जमादार उपस्थित थे। जो माननीय श्रीमान जी, आज जो कलेक्टर महोदया द्वारा निरीक्षण किया गया, तो क्या दिशा निर्देश दिए गए आपको? आज माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा विभिन्न वार्डों में भ्रमण किया गया तथा सफाई व्यवस्था का जायजा लिया गया उनके द्वारा। और आज जिन वार्डों में भ्रमण किया है उसके अलावा कल दूसरे अन्य वार्डों में उनके द्वारा भ्रमण किया जाएगा। साथ ही अन्य कार्यों का भी अवलोकन किया गया है। किस प्रकार के कार्यों का अवलोकन किया गया है? सफाई व्यवस्था और वार्डों की स्थिति देखी है उन्होंने। और आज जिन वार्डों में भ्रमण किया है उसमें से वर्षा के कारण जो जलभराव की स्थिति बनी थी उसको देखा है। नालों के पास में जो कचरा वगैरह अटका था उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और कितनी संतुष्टि पाई गई उनके द्वारा? सफाई व्यवस्था तो पूरे वार्डों में सभी जगह थी। उनके भ्रमण से यह रहेगा कि हम जहाँ और कुछ कमी होगी तो उसे और दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका सुपरिचय दें। मोहम्मद शाहिंदर, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी। खबर समय जगत के लिए खंडवा से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।